देखिए, ऐसा लखनऊ जू में वास्तव में बहुत ही रेयर फिनोमेना हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। तीन प्रकार के फीजेंट्स हैं जिसमें हम लोगों ने सेक्स चेंज हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, सिल्वर फीजेंट, गोल्डन फीजेंट और मोरनी। और वास्तव में जो सिल्वर फीजेंट था उसका ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने 2008 में किया था, वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई है मेल के प्ल्यूमेज में। और ये जो गोल्डन फीजेंट है इसको हम लोगों ने लगभग 3 महीने पहले ऑब्जर्व करना शुरू किया। और मैं बताना चाहूँगी, जो फीमेल होती है वो ब्राउन कलर की होती है, जो मेल होता है उसके शरीर का रंग रेड होता है और सिर पे कलगी उसके पीले रंग की होती है। और धीरे धीरे करके इस फीमेल में भी वो मेल के सारे कलर्स आने अब शुरू हो गए हैं। और जो मोरनी है वो बिल्कुल मोर में कन्वर्ट हो गई, उसके पंख लंबे हो गए और साथ में उसने नाचना भी शुरू कर दिया है। तो ये सब जितने भी चेंजेस ये सारे के सारे हार्मोनल चेंजेस हैं, चूँकि ये जितने एनिमल्स हैं सारे हमारे ओल्डेस्ट एनिमल्स हैं जू के, लगभग 20 साल पुराने ये बर्ड्स हैं। और जब ये इतने पुराने हो जाते हैं तो कहने की हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं। जो फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन है वो कम हो जाते हैं, जो मेल हार्मोन्स एंड्रोजेंस हैं वो डोमिनेंट होने लगते हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल के इन फीमेल्स की बॉडी में आने लग जाते हैं। और इस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने इंसानों में भी देखी हैं। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ जो लेडीज़ ओल्ड हो जाती हैं उनके शरीर पे, बॉडी पे, फेस पे दाढ़ी और मूछें उगने लग जाती हैं। इसको हम हिर्सुटिज्म भी कहते हैं, इस कंडीशन को हिर्सुटिज्म कहा जाता है। ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के रूप में डेवलप होते हैं। और वास्तव में ये जो भी कुछ हम चेंजेस देख रहे हैं सब हार्मोनल चेंजेस हैं। ये सारे चेंजेस फिनोटिपिक हैं, जीनोटिपिक लेवल पे ये चेंजेस नहीं है, केवल फिजिकल।